दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट देखना और सुनना काफ़ी पॉपुलर है। बच्चा हो या बड़ा, सभी को क्रिकेट बहुत पसंद है। वहीं उस क्रिकेट में महिलाओं की भी बात होती है तो उसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन वोमेन क्रिकेट ने भी कुछ सालों में अच्छी पहचान बना ली है। आज हम आपको महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंदाना के बारे में बताएंगे। आखिर उन्होंने कैसे मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया। दोस्तों, इस वीडियो में उनकी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप स्मृति मंदाना के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका फुल नेम है स्मृति श्रीनिवास मंदाना और ये प्रोफेशन से इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम की बैट्समैन है। इनका जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ और 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 28 ईयर हो चुकी है। वहीं इनका होम टाउन सांगली महाराष्ट्र है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल एंड कॉलेज की पढ़ाई सांगली महाराष्ट्र से की। दोस्तों, स्मृति का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। महाराष्ट्र में पलिवड़ी होने के कारण वह धारा प्रवाह मराठी बोल सकती थी। जब वह 2 साल की थी तो उनका परिवार महाराष्ट्र के सांगली के माधव नगर चला गया, जहां उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की। उनके पिता और भाई सिवर्ण दोनों ने सांगली के लिए स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेला। अपने भाई को महाराष्ट्र स्टेट अंडर 16 टूर्नामेंट में खेलते हुए देखकर वह क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित हुई। 9 साल की उम्र में उनका चयन महाराष्ट्र की अंडर 15 टीम में हो गया। 11 साल की उम्र में उन्हें महाराष्ट्र अंडर 19 टीम के लिए चुना गया। अब इनके डोमेस्टिक करियर के बारे में देख लेते हैं। उन्हें पहली बार सफलता अक्टूबर 2013 में मिली, जब वह ODI गेम में दोहरा शतक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गुजरात के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उन्होंने बड़ौदरा के अलेम्बिंग ग्राउंड में बेस्ट जोन अंडर 19 टूर्नामेंट में 150 बॉल्स पर नाबाद 224 रन बनाए और 2016 में महिला चैलेंज ट्रॉफी में स्मृति ने इंडिया रेड के लिए कई खेलों में 3 अर्धशतक बनाए और इंडिया ब्लू के खिलाफ फाइनल में 82 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाकर अपनी टीम को ट्रॉफी जीतने में मदद की। 192 रनों के साथ वह टूर्नामेंट हाईएस्ट स्कोरर बनकर उभरी। सितंबर 2021 में उन्हें 2021-22 महिला बेस लीग सीरीज के लिए सिडनी थंडर की टीम में नामांकित किया गया था। उन्होंने सीरीज में शतक बनाया और टूर्नामेंट में अब तक के सर्वोच्च स्कोर के साथ रिकॉर्ड की बराबरी की। अब इनके इंटरनेशनल करियर के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने T20 में डेब्यू किया था 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ। वहीं इन्होंने ODI में डेब्यू किया है 10 अप्रैल 2013 को और स्मृति मंदाना ने अपने टेस्ट डेब्यू 13 अगस्त 2014 को बर्मिंगहम पार्क में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। उन्होंने अपनी पहली पारी में क्रमशः 22 और 51 रन बनाकर अपनी टीम को मैच जीतने में मदद की। बाद की पारी में उन्होंने 182 रनों का पीछा करते हुए थिरुस काबली के साथ 76 रनों की शुरुआती विकेट की पार्टनरशिप की और फरवरी 2023 में आयोजित WPL ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 3.4 करोड़ में खरीदा, जिसमें वह ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली खिलाड़ी बन गई और टीम की कप्तान भी चुनी गई। उनकी कैप्टनशिप में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 2024 में अपना फर्स्ट WPL खिताब जीता और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सम्मान बढ़ाया। तो हमको कमेंट करके बताना कि स्मृति मंदाना आपको कैसी लगती हैं। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम श्रीनिवास मंदाना है, इनकी मदर का नाम स्मृता मंदाना है, इनके एक ब्रदर भी हैं जिनका नाम सरवन मंदाना है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं तो ये अनमैरिड हैं और इंटरनेट पर ऐसे रूमर है कि इनके बॉयफ्रेंड हैं पलाश मुंचाल, जो प्रोफेशन से म्यूजिक कंपोजर हैं। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको लिस्टिंग टू म्यूजिक काफ़ी पसंद है। अब इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5 फुट 10 4 इंचज,
इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है, और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहती कहाँ पर है। तो ये अपनी फैमिली के साथ सांगली महाराष्ट्र इंडिया में रहती है। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार थी स्विफ्ट डिजायर एंड सेकेंड कार है रेंज रोवर इवोक। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें इनको BCCI से एनुअल फीस मिलती है लगभग 50 लाख रुपये, वही ये IPL पे लगभग 3.4 करोड़ रुपए कमा लेती हैं और साथ ही साथ ब्रांड एंड्रोस से भी लाखों रुपए कमा लेती हैं। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 220 करोड़ रुपए है। तो ये थी स्मृति मंदाना की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।